यार एक तो इन बच्चों ने बिना जीना हराम किया हुआ है, ये बाजा बजा बजा के बजा बजा के 14 अगस्त आ जाती है, इतने बड़े बड़े बाजे ले आते हैं, किसी को आराम भी करने नहीं देते, सोने भी नहीं देते, क्या करें यार। घर के बच्चे भी हैं, वो भी इसी काम पे लगे हुए हैं। यार ऐसे तो बात नहीं बनेगी, कुछ करना पड़ेगा। हाँ ये डालता हूँ आज ना कानों में डाल के ना, आज सारा दिन आराम से सोऊंगा। अभी हमारे बाजे, अब सोऊंगा आराम से। यार ऐसे बात नहीं बनेगी, बच्चे शैतान है, कोई ना कोई काम करना पड़ेगा। बेटा इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। जी चाचू जी। यार ऐसे करो कि ये ले लो पैसे। अच्छा। और इनको ना जाके ना वो झंडिया नहीं होती जी जी। वो झंडिया ला के दो यार, ये तो बाजे बजा बजा के इन्होंने तो मेरा जो है ना जीना हराम किया हुआ है। मैं अभी ला दूँ, मैं आपको देता हूँ पैसे। दे पैसे दे, मैं अभी ला दूँ। तीनों को ला के देने बच्चों को। हाँ तीनों को ला के मैं अभी ला। ये लो पैसे जी, बहुत है, तीनों को ला के देने है ना। हाँ इनको झंडिया लगा के ना, हाँ। दो ला के झंडिया लगा के भी देनी है। ठीक है मैं अभी लेके। यार हमारा दौर था उस वक्त, हमने तो कभी बाजा भी नहीं बजाया था। मैंने कहद आदम के जो है ना 14 नकात को तकरीबन 200 मरतबा पढ़े हैं, उधर तो कोई भी नहीं लिखा हुआ कि बाजा बजाना ये पाकिस्तानी कौम के लिए फ़र्ज़ है। यार ये अपने बच्चों को बाजे बाजे का छोड़ो, कोई दरख्त वरख्त लगाओ, बच्चों को बोलो घर में दरख्त लगाए, बाहर दरख्त लगाएँ, उसका फ़ायदा ये बाजों का क्या फ़ायदा, ये 1-2 घंटा चलाएंगे सर खाएंगे, उसके बाद ये तो टूट जाएंगे, इसका कोई फ़ायदा तो नहीं है। या वो झंडियाँ वगैरह लगा दो घर पे तो घर थोड़ा खूबसूरत हो जाए।
We'll be right back.